नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार गोयल। स्नेक लवर के चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेस्क्यू कॉल दोस्तों में खंडवा जिले के ग्राम नानखेड़ा से आई हुई है और हमारा सामना हुआ है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से, जो कि बेहद जहरीला और बेहद खतरनाक होता है दोस्तों। यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जीव को बचाने के लिए हमें फ़ोन किया और हम मौके पर कॉल कर रहा पहुँच गए। चलिए दोस्तों इसे हम देखते हैं कौन सा सांप है। यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों, जिसे हम भारतीय नाग भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे पलटू भी कहते हैं दोस्तों। अलग अलग देशों में दोस्तों अलग अलग नाम है इसका और वैज्ञानिक नाम दोस्तों इसका नाजा नाजा है। चलिए इसे हम छेड़ते हैं थोड़ा। बहुत शांत स्वभाव का सांप है दोस्तों। चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं और भी जानकारी देते हैं दोस्तों। सांप पे हमारी पकड़ बन चुकी है, काफी बेहद और खतरनाक दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, काफी खतरनाक फुकार है इसकी। चलिए दोस्तों इसे हम बाहर ले चलते हैं और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। ये दोस्तों एक ऐसा जीव है जो दिल के धड़कन को नापता है दोस्तों। बड़े बड़े विशाल हाथी जैसे पशु के दोस्तों इसे देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि ये बड़े से बड़े जानवर को भी मौत की नींद सुला सकता है दोस्तों। जब भी ऐसा सांप बाइट करे आप सीधे हॉस्पिटल जाए दोस्तों। इस सांप के साथ छेड़छाड़ करोगे या कोई पैर वैर रख देंगे इस पे तो ही बाइट करेगा दोस्तों, अन्यथा ये बाइट नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि दूर दूर तक ये वीडियो फैले और हम लोगों की जान बचा सके दोस्तों। काफी फुर्तीला सांप है दोस्तों ये। रात के इस वक्त 2 बजे हैं दोस्तों। इस वीडियो के देख के दोस्तों आप कॉपी नहीं करेंगे वरना आपके साथ हादसा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका हमें अनुभव है सांप को कैसे ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार हैंडलिंग किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग ली हुई है दोस्तों, तभी हम सांप को ऐसे ट्रीट कर पाते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे दोस्तों वरना हादसा हो सकता है। जब भी ऐसा सांप बाइट करे दोस्तों आप सीधा हॉस्पिटल जाएं और दोस्तों इन्हें मारे नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों, ये शिवजी के गले का हार है दोस्तों और हमारे पूर्वजों के अनुसार और हम भी इसे इसकी पूजा करते हैं दोस्तों, इसे दूध पिलाते हैं। लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों, सांप दूध नहीं पी सकते हैं क्योंकि इनके पास एंजाइम नहीं होता है, ये दूध को नहीं पचा सकते दोस्तों। अगर दूध पी लेंगे दोस्तों तो इनकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए कभी भी सांपों को दूध ना पिलाएं। चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और ले चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर इंसानों का आना जाना ना हो और इन्हें अपने अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे दोस्तों। Thank you.
दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चलिए दोस्तों इसे हम रिलीज़ करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।